पानी में दौड़ रहा हूँ यार, फिसल भी सकते हैं। आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, मेरे साथ रोज पोपट होता है, इतना भुलक्कड़ इंसान हूँ मैं। सुबह सुबह उठने और हवा लेने में मज़ा ही अलग है। हालांकि बात ऐसी है कि हम तो सोए ही नहीं रात भर, एक्चुअली सीन ये था ना, जो मैं अभी व्लॉग अपलोड किया ना उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया, सॉन्ग था ना, तो फिर मैंने उसको दोबारा एडिट किया, वो हटाया, फिर दोबारा अपलोड हो रहा है। तो अभी 7 बज गए, तो आज प्लान है नहीं सोने का, आज दिन भर काम करेंगे। और आज रात भर बारिश भी होती तो मौसम देखो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, तो बस। और आज शिवरात्रि भी है तो जल चढ़ाने जाएंगे अभी, और मेरी आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। बारिश तेज़ हो रही है, चलो नीचे चलते हैं, मेरा माइक कैमरा ख़राब हो जाएगा। यूजली शिवरात्रि पे लोग कावड़ लाते थे, आज कॉपीराइट क्लेम आने पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज पूरी रात भर एडिटिंग किया, 4 घंटे लगा के सुबह अपलोड किया तो क्लेम आ गया, तो मैंने दोबारा एडिट किया इसीलिए। अदरवाइज़ मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्लेम से, बट मेहनत ज़्यादा थी तो मैंने छोड़ा, वो वाला पार्ट काट ही देते हैं। यूजे उठो उठो, मंदिर जाना है, उठो। मम्मी जी सुबह सुबह तैयार भी हो गई है, साई डाल के। तो वो केले ला दे जा। केले? हाँ पहले केले ला, तभी तो जाएंगे मंदिर। कितने लाने हैं? दो ही ले अभी, दो मंगा दूंगी। दो केले बस चलाने के लिए, दो ले। क्या किसी केले लेने चले? किसी केले लेने चले? केले एक चौथाई टकला। चलो उठो उठो, ओ मत को बेटा, खड़ा हो उठ, मंदिर जाना है ना, दिन में सो जाएगा। सो बारिश में हम जाएंगे आज साइकिल लेके, खुला है क्या? खुला तो है, यहाँ पे रखी है साहिल ने साइकिल। यहाँ को मत चले जाइयो। क्यों? लाइन खोद रखी है। क्या हो रहा है? यहाँ बहन की दुकान पे जाना, घर जाएगा नीचे, यहाँ से ले आता हूँ। आप क्या लेके आए हो? बेलपत्री। बेलपत्री क्या करोगे इसका? क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ाऊंगी और क्या करूंगी। हाँ सोदा जा, सोदा। क्या तू की मम्मी देख लो, मैं अकेले जाके ले आता हूँ, यहाँ से जा सकते हैं ना। वाह क्या फीलिंग आ रही है, सुबह सुबह बारिश में, ऊपर से व्लॉगिंग, ऊपर से शिवरात्रि, मज़े आ गया। सब जगह पानी, हर गली में पानी 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 पानी। सही है, सुबह सुबह साइकिल चला लेंगे, सही रहेगा। ऊपर से पीयूष बैठ गया, और ज़्यादा तेज खींचना पड़ेगा। एक ब्रेड का पैकेट दे दो। अरे पैसे तो करते रह गए। अब दिमाग ले जाता हूँ। रुक गया, तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ तेज। अरे मैं तेज जाऊँ। सो गाइस एक बहुत बड़ा वाला पॉपट हो चुका है, मैंने टी शर्ट चेंज की थी तो पुरानी वाली टी शर्ट में पैसे रह गए, तो जो टी शर्ट मैंने पहले डाली थी आपने व्लॉग में देखा उसकी जेब में पैसे थे, तो पैसे लाना ही भूल गया, उसमें से निकालना भूल गया, मतलब मैंने टी शर्ट चेंज की। वैसे मुझे बाइक लेके आना पड़ेगा, एक तो देखो साइकिल चला ली मैंने, ऊपर से मेरे को दौड़ना भी हो गया, मेरा पानी में दौड़ रहा हूँ यार, फिसल भी सकते हैं। आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, मेरे साथ रोज़ पोपट होता है, इतना भुलक्कड़ इंसान हूँ मैं। ऊपर से पीयूष और मेरे को दोनों को जाना चाहिए था वापस, पीयूष से पहले तो मैं ही पहुंचने वाला हूँ घर, वो ही पैदल। लेट्स सी कि वो कब पहुंचता है। सही बता रहा हूँ गाइस, मेरी तो सही जॉगिंग होगी सुबह सुबह, वैसे बारिश रुक चुकी है अब, सो अभी मैं भी पहुंच चुका हूँ घर पे, पीयूष भी यहीं है। तो पागल है क्या, साइकिल लेके भाग आया? अरे मैंने ये टी शर्ट चेंज की ना, इसकी जेब में है पैसे। वीडियो अपलोड हो गई क्या? हाँ हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक पे, एक बार साइकिल पे तो पोपट हो गया है। फिर से हम उसी रास्ते पे आ चुके हैं आपको बोर करने के लिए, बट क्या करें, जिंदगी है और हमारी जिंदगी में तो कुछ ज़्यादा ही पोपट होते हैं। ये गाय तब भी यहीं थी, अब भी यहीं है, लेकिन अब बारिश आ रही है हल्की हल्की, उस टाइम बारिश नहीं आ रही थी, तो थोड़ा कैमरा भीगने का डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है इसमें, पहले माइक नहीं लगाया था। जब माइक नहीं लगाया था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइक लगा ले तो माइक वाला पोर्ट खुला रहता है, अगर वहाँ से पानी चला जाए तो हमारा कैमरा ख़राब हो सकता है, बट इट्स ओके, उतनी तेज़ भी नहीं आ रही है, थोड़ी तेज़ आएगी तो हम किसी छज्जे के नीचे रुक जाएंगे। अगर साइकिल वाले में होता तो दो ही लेते, बट अब जाके मूड बदल चुका है तो हम पूरे एक दर्जन केले ले लेंगे।
तो अब जल्दी से नहाते हैं और जल चढ़ा के आते हैं, बाइक खड़ी रहने देते, बाइक धुल जाएगी। आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड अवर पोपट राइड। रोज जल जाती है, आज भीग जाएगी। मेरे को दो, एक दे दो। ये वाला प्लॉट और वो वाला प्लॉट ठीक हो जाता ना, फिर साफ सुथरी गली हो जाती है हमारी। यहाँ पानी भर जाता है, कीचड़। ध्यान से अरे चले जाएंगे यार, कुछ नहीं होता। चलो, अरे कुछ नहीं होता, ध्यान से अम्मा फिसलोगे कहीं, कीचड़ है, ध्यान से। पापा जी धोती डाल के आ गए हैं। ये जगह सही है, यहाँ पे हम रख सकते हैं साइकिल वगैरह। अंदर से बंद करते हैं इसको। सो गाइज, एलिफेंट वाली ड्राइंग में कंप्लीट शेडिंग हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरह की लग रही है। अब इसमें ब्लेंड करेंगे, हाइलाइट्स करेंगे और डार्क एरियाज को ऑप्ट करेंगे, ताकि ये बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लगे। सो अभी 5 बजने वाले हैं गाइज, तो मैं दिन में थोड़ा बहुत सोया भी था और कमीशन वर्क भी किया, एडिटिंग भी किया और ये भी बनाया। सो चलो अब बाहर चलते हैं। अम्मा की फ्रेंड आई हुई है, वही पानी पीते हो वाली, जो हरियाणवी है। अम्मा पहाड़ी, वो हरियाणवी, तो दोनों की समझ में नहीं आती। मैंने आपको बताया था ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज भी गाइस पीओपी वाले नहीं आए हैं, देखो पैसे का वैसे पड़ा काम, कल आना था। अगर कल आ जाते तो आज काम कंप्लीट हो जाता। अब पता नहीं कितने दिन और डिले होगा। पापा जी आप कर दो पीओपी। माल बनवा देगा, साइल बनवा देगा, मैं बनवा दूंगा। मेरे को थोड़ा बहुत आता भी है ऐसे ना, पीओपी का काम मैंने भी करा हुआ 10-15 दिन के लिए, याद है। उस टाइम जब मैं दिल्ली से आया था ना, पापा जी के लेबर चले गए थे, काम था और मैं भी खाली बैठा था। 10-15 दिन के लिए जाते थे, पापा जी और मैं काम करते थे। उस टाइम मेरा आर्किटेक्चर में नहीं हुआ था, तो पापा जी को चल तू पीओपी कर, अब पीओपी करेगा तू। मैं कहा चलो पीओपी करेंगे, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। अरे वाह, पूरी चौलाई चौलाई हो रही है सारी जगह ना, बारिश आने का फ़ायदा। सब्जी हो रही ज़्यादा ज़्यादा, पेड़ ना एक ही दिन में बढ़ जाते हैं बारिश आ जाए ना। बेल तो पूरी बड़ी बड़ी हो गई, देख पूरी बेल नीचे भी है ऊपर भी है। तो ये दिखाने वाले थे आपको, ये है क्या पता नहीं क्या है ये, इसकी बेल में मैंने तो आज ही देखा, इतना बड़ा बड़ा। हम इसके बिल्कुल पास हैं। ओए सो अभी पापा जी और लंबी बल्ली लगा रहे हैं, क्योंकि बेल और ऊपर तक जाएगी। इतनी लंबी लंबी जाएगी क्या बेल? ऊपर नहीं कर रहे क्या? ऊपर कर दो, एक तो कर ही दो, ऊपर तक जाएगी बेल, अच्छी लगेगी। बस बस लटक ही सकता है, ऊपर तो नहीं हो सकता। मेरे को ना आप लोगों को एक स्टोरी बतानी थी, जो कि मुझे अभी याद आई जब पीओपी की बात हुई। जैसे कि मैंने बताया कि पापा जी और मैंने पीओपी करी थी जब मेरा आर्किटेक्चर में नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी मच डिमोटिवेटिव अपनी लाइफ से, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं पापा जी के साथ काम पर चला गया था, तो मेरे माइंड में आ गया था कि अब यही करना है, पीओपी करनी है लिटरली, सब कुछ छोड़ो अब तो पापा जी के साथ यही काम करेंगे। दैट टाइम आई यूज़ टू ड्रॉ, बट इतना ज़्यादा नहीं, और काफ़ी डिमोटिवेट भी फील होता था, ज़बरदस्ती में गुस्से में बनाता था मैं। उसके बाद जब यूट्यूब स्टार्ट किया, तो जब यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों का, उसके बाद मोटिवेशन आई और अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या सोचा था, हुआ क्या और अब क्या हुआ। देखो मतलब जो चीज़ हम सोचते भी नहीं है वो होता है। तो आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ है ना, तो ये मत सोचना कि मुझे ये करना है, क्या पता वो ना कर पाओ, उसकी जगह कुछ और कर लो, वो भी ना कर पाओ। मतलब जो हम नहीं सोच पाते ना लाइफ में, ऐसा कुछ हो जाता है लिटरली। कभी भी नहीं गाइस लाइफ में डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि जो भी होता है ना लाइफ में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, चाहे आपको फेलियर मिले चाहे कुछ भी मिले। मैं तो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, बट थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू यू गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, और बस ये कहना था। तो अभी सामने सनसेट होने वाला है, सामने जो सन है देखो कितना प्यारा दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज,
और क्लाउड्स भी और हमारी सिटी भी। हमारी छत काफ़ी ऊंची हो चुकी है तो यहाँ से देखने में काफ़ी मज़ा आता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल अभी का सीन है कि लाइट ही नहीं है बिकॉज बारिश आ गई, तो मतलब बारिश आती तो लाइट नहीं आती, मौसम अच्छा हो गया, अब काम भी नहीं कर पाता बिकॉज इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा जल्दी से रूम बन जाए तो वहाँ पे अलग से इन्वर्टर रहेगा तो उसकी अलग से बैटरी रहेगी तो मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। बट अभी तो एक ही बैटरी है तो वो इन्वर्टर में पंगा होता है ना, इसीलिए फिलहाल मैं अभी काम नहीं कर सकता। जब लाइट आएगी तभी करूँगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जब आए कब कब आए संभालो हमको, जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको, सभी से प्यार चाहे तुम्हें से सबके राहे।